झूठ और जुमलों में शतक लगाने वाले प्रधानमंत्री मोदी के काल में अब महंगाई भी शतक लगा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश का हाल कुछ ऐसा कर दिया है कि गरीब दाने दाने के लिए तरस रहा है। बढ़ती महंगाई से देश का आम जनमानस त्रस्त है। तमाम मेहनत और मजदूरी के बावजूद जेब खाली रह जाती है। दो वक्त के खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और हम भूखमरी के सूचकांक में रिकॉर्ड बना रहे हैं। महंगाई के नाम पर कैसे आपके जेब पर सरकार डाका डाल रही है, आंकड़ों से समझते हैं। हालात ये हैं कि एक किलो टमाटर के लिए 140 रुपए तक चुकाना पड़ रहा है। एक केजी तुअर दाल के लिए 200 से ज्यादा, चना दाल 100 से ज्यादा, एक केजी चावल भी 100 के पार हो चुका है। मूंगफली तेल 187 रुपए, सरसों तेल 185 रुपए, पाम ऑयल 159 रुपए, वनस्पति तेल 163 रुपए, पेट्रोल 100 के पार और गैस सिलेंडर की कीमत तो जैसे छप्पर फाड़ने के लिए तैयार है, 1100 से भी ज्यादा। यानी सब कुछ पहुंच से बाहर कर दिया गया है। गरीब की थाली खाली और आम आदमी दो वक्त की रोटी जुटाने में असमर्थ हो चुका है। क्या खाए और क्या बचाए, इस असमंजस में फंसा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने झूठ की बिसात बिछाकर जनता से अच्छे दिन आने वाले हैं का केवल छल किया। आज परिणाम यह है कि पिछले 9 सालों से जनता महंगाई की आग में झुलस रही है। जनता की कमाई पर भाजपाई लूट हावी है। महंगाई को लेकर मोदी जी के मंत्री नित नए बहाने बनाते हैं और जनता की खाली होती थाली में झूठ और प्रोपोगेंडा परोसा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 19 करोड़ लोगों को सिर्फ एक वक्त का खाना मिल रहा है। एक बड़ी आबादी ऐसी भी है जिसे इस निरंकुश सरकार में एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। पर इन सब से मोदी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी प्राथमिकता उनके पूंजीपति मित्र और पार्टी का प्रचार है। पर अब जनता जागरूक हो रही है और ये समझ चुकी है कि जानलेवा महंगाई की असली प्रायोजक केवल और केवल मोदी सरकार है।